कदम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कपिल मिश्रा। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत। देश के 21 राज्यों के 102 लोकसभा सीटों के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश की 6 लोकसभा सीट छिंदवाड़ा, जबलपुर, मंडला, सीधी, शहडोल और बालाघाट के लिए भी नामांकन प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एमपी में मिशन 29 में जुटी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ चुनाव प्रचार में जुट गई है। सीधी से बीजेपी उम्मीदवार डॉक्टर राजेश मिश्रा ने आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की मौजूदगी में अपना नामांकन दाखिल किया है। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला और मंत्री प्रहलाद पटेल भी मौजूद रहे। पर्चा दाखिल करने से पहले भाजपा नेताओं ने नामांकन रैली के जरिए शक्ति प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बीजेपी उम्मीदवार राजेश मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा को वोट देने की अपील करते नजर आए। तो आप देख सकते हैं मिशन 29 में जुटी बीजेपी जो है लगातार जोर शोर से प्रत्याशियों के साथ मैदान में खड़ी होती नजर आ रही है। कल की बात करें तो कल कैलाश विजयवर्गीय जो है छिंदवाड़ा में हुंकार भर रहे थे कमलनाथ के खिलाफ और विवेक बंटी साहू के समर्थन में प्रचार कर रहे थे। वहीं आज नामांकन दाखिल करने के दौरान सीधी से लोकसभा प्रत्याशी की नामांकन के दौरान जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, कैबिनेट मंत्री प्रहलाद पटेल समेत तमाम कांग्रेसी दिग्गज नेता शामिल रहे। राजेश मिश्रा ने यहां पर अपना नामांकन दाखिल किया था। आप देख सकते हैं भव्य रोड शो करते भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नजर आ रहे हैं। और आपको बता दें पहले दौर में जिन जिन सीटों पर नामांकन होना है एमपी में वो आपको हम ग्राफिक्स के माध्यम से दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। छिंदवाड़ा में आप देख सकते हैं नामांकन है, सीधी में भी नामांकन होगा पहले दौर के लिए। वहीं बात करें तो मंडला में भी नामांकन प्रक्रिया जो है पहले दौर के लिए शुरू हो चुकी है। आज से पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू है। चुनावी शंखनाद हो रहा है। पहले चरण का नामिनेशन की पहली 20 तारीख से शुरुआत हुई है। तो आप देख सकते हैं लोकसभा चुनाव में पहले चरण के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। मंडला की बात की जाए तो छिंदवाड़ा की बात की जाए, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। मध्य प्रदेश में ऐसे तो पूरे देश में आज पहले चरण का नामिनेशन की पहली 20 तारीख से शुरुआत हुई है।